हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द द्विवेदी फैमिली में। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से बनने वाले पुलाव की रेसिपी। जब आपके पास टाइम कम हो और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो आप एक बार ये पुलाव जरूर ट्राई करिएगा। इसे बनाना बहुत ही सरल है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम चावल को अच्छे से धो लेंगे और इसे 15 मिनट के लिए भिगोने के लिए छोड़ देंगे। साथ में पुलाव में डालने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ कट करी हैं, जो कि टमाटर, मटर, अदरक, लहसुन, फूलगोभी, प्याज और गाजर। आप पुलाव में अपने पसंद के अनुसार सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। साथ में मैंने इस पे साबुत मसाले लिए हैं, जो कि तेज़पत्ता, साबुत इलायची, लौंग, काली मिर्ची, दालचीनी, हरी इलायची और लाल मिर्ची पाउडर। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में घी डालेंगे, तो मैं इसमें 3 बड़े स्पून घी ऐड कर रही हूँ। घी गर्म होने के बाद हम इसमें 1 चम्मच जीरा ऐड कर देंगे और साथ में 1/4 स्पून हम इसमें हींग ऐड करेंगे। हींग के बाद आप इसमें लहसुन और अदरक और साबुत मसाले, जो कि हमने पहले से रेडी करके रखे हैं, वो सब एक एक करके इसमें डाल देंगे और इन्हें अच्छे से भून लेंगे। इनको हमें ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा भूनना है। उसके बाद हम इसमें जो हमने प्याज कट करके रखा है उसे इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी इसमें भून लेंगे। लास्ट में हम इसमें टमाटर ऐड कर लेते हैं और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम लो करके हमें इसे तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छे से गल ना जाए। लेकिन उससे पहले हम इसमें मसाले ऐड करते हैं। सबसे पहले हम नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद मैं इसमें 1/2 स्पून हल्दी डाल रही हूँ, 1 स्पून चिली पाउडर डाल देंगे, रेड चिली पाउडर, 1 स्पून धनिया पाउडर और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको हमें टमाटर जब तक गलता है तब तक इसको थोड़ा लो फ्लेम में रख देंगे ढक्कन लगा के। 2 से 3 मिनट बाद फ्रेंड हम इसे एक बार चेक कर लेते हैं, तो हम देखेंगे कि हमारा मसाला अच्छे से गल चुका है और मसाले ने घी को छोड़ दिया है। अब इस स्टेज में हमने जितनी भी सब्जियां पुलाव में डालनी है और कट करके रखी है उस सब को इस मसाले में ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बनाई हुई रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। साथ में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलेगा और अपने फ्रेंड सर्कल और फैमिली मेम्बर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिएगा। अब हम ये सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सब्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होने पे फ्रेंड्स हमारे पुलाव का टेस्ट बढ़ जाता है और एक वेजी पुलाव बनके रेडी होता है। अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें चावल को ऐड कर देंगे, जो कि हमने पहले से अच्छे से धो के 15 मिनट के लिए इसे भिगो के पानी में छोड़ दिया था। और इससे ये फ़ायदा होगा कि हमारा पुलाव अब 5 मिनट में 1 सीटी के साथ रेडी हो जाएगा। अब इसमें हम करते हैं पानी ऐड। पानी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा वरना हमारे चावल चिपक जाएंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद बस इसमें एक लास्ट चीज़ और ऐड करनी है फ्रेंड, वो है बटर। तो मैं इसमें थोड़ा सा बटर डाल रही हूँ और अब इसमें लगा देंगे हम ढक्कन और 1 सीटी आने का हम वेट करेंगे। तो हमारी 1 सीटी आ चुकी है और हमारा पुलाव रेडी हो गया है। अब इसे खोलते हैं। वाओ, कितना यमी टेस्टी दिख रहा है। तो एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं तो आप देख ही रहे होंगे कि हमारा एक एक चावल का दाना अलग अलग नज़र आ रहा है। तो चलिए इसे करते हैं सर्व। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म पुलाव खाने के लिए रेडी है। आप इसे जब चाहें बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से पुलाव की रेसिपी मैंने आज आपके साथ शेयर करी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। जब टाइम हो कम और कुछ चटपटा खाने का मन करे तो ये एक बार ज़रूर बनाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।